स्टेट में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैक्ट फाइंडिंग किया राइट टू फूड के बारे में. एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स को पता है वो एक्ट के बारे में जो 2013 में एक्ट आया इंडिया में उसके बारे में कुछ पता है करके. बिकॉज ट्रांसजेंडर्स का लाइफस्टाइल ऐसे होता है ना कि मैं एक घर से बाहर आई पैंट शर्ट पे तो मैं बाहर आ जाऊंगी तो मैं मेरे को गुरु मिलेगा गुरु भाई मिलेगा और मेरा डेली लाइवलीवुड भी मिल जाएगा. 500 कमाओ या 1000 कमाओ या 10000 कमाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड अप है. द वर्क विच यू चूज तुम जो काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड अप है. तो जब क्या करते हैं राशन कार्ड का जरूरत वहाँ पे है क्या? उतना मोटा चावल खाएंगे क्या हम? आइडिया भी नहीं आएगा कि मुझे राशन कार्ड चाहिए. पैसे है पॉकेट में अभी जवानी है तंदुरुस्त हूँ कमा लूंगी लेकिन जब मैं बुढ़ापे के टाइम में आऊंगी या 40s 50s बनूंगी जब तो किसी का सहारा भी नहीं रहेगा. ट्रांसजेंडर्स का कोई भी लोगों को देखने वाला नहीं रहेगा. अगर फैमिली वाले रहेंगे तो भी रेयर 2% में रहेंगे 100% में जो फैमिली एक्सेप्ट करते हैं एक एज होने के बाद ट्रांसजेंडर्स को. तो जब हम गए तो मैं रंगारेड्डी में 15 लोगों को जब फैंट फिटिंग करने गए थे सब लोगों को मैं पूछी राशन कार्ड है क्या राशन कार्ड है क्या राशन कार्ड है. राशन कार्ड से क्या करना? वो चावल तो हम खाते नहीं. थोड़े लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है और अभी मैं 40 ईयर्स की हूँ और मैं PLHI नहीं हूँ. मैं एक पॉजिटिव लिविंग पर्सन हूँ और मैं कलेक्टर ऑफिस तुरंत रोज घूम रही हूँ राशन कार्ड के लिए. मैंने अप्लाई किया लेकिन मुझे नहीं आया. पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में हमने एक मेमोरेंडम लिया अगस्त सेकेंड वीक में जो ग्रीवेंस डे होता है उस दिन हमने दिया कि हम लोगों को राशन कार्ड चाहिए वोटर आईडी कार्ड चाहिए और हाउसिंग स्कीम के लिए चाहिए करके. हमने हर डिस्ट्रिक्ट से कम 15 लोग गए कलेक्टर के पास रिप्रेजेंटेशन देने. तो कलेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन लिया और हम लोग ने फिर वो क्या बोलते हैं रिटर्न लेटर भी ले लिया. उसने क्लियरली वो लेटर पे लिखा कि हम लोग CM को इन्फॉर्म करेंगे जो हमारे ऊपर जो लोग हैं वो लोगों को हम इन्फॉर्म करेंगे. हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. सो राशन कार्ड देने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है. लेकिन गवर्नमेंट ये समझता है ये लोगों को राशन कार्ड का क्या जरूरत है. और थोड़े लोगों का राशन कार्ड से नाम निकाला गया है बिकॉज आई एम ट्रांसजेंडर. मेरा नाम राजेश था मेरे माँ बाप के राशन कार्ड में और मैं चंद्रमुखी बन गई. मेरा आधार कार्ड चंद्रमुखी है. मेरे फैमिली राशन कार्ड से मुझे निकाल दिया गया है बिकॉज यू डोंट हैव प्रूफ ऑफ राजेश. राजेश का प्रूफ आपके पास नहीं है तो अब ये इसमें नहीं रह सकते. आपका आधार कार्ड लेके आके लिंकअप करो बाद में आपको राशन मिलेगा. सो राशन कार्ड जितना जरूरी है वो पहले कम्युनिटी को पता नहीं है. जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो लोगों को पता है. कल के दिन अगर डबल बेडरूम फ्लैट चाहिए या हाउसिंग स्कीम चाहिए तो पहले वो लोग राशन कार्ड ही पूछेंगे इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी में राशन कार्ड का महत्वपूर्ण क्या है उसका एक अवेयरनेस करना चाहिए. जो हमने थोड़ा बहुत तो किया है बाद में भी हम सबको बोल रहे कि राशन कार्ड लियो. लेकिन कोई एक बोल रहा है कि हम एक साल हो गया अप्लाई करके. एक्चुअली 45 डेज में या 14 डेज में हम लोगों को रिटर्न लेटर आता है कि आपको राशन कार्ड दिया जाएगा या नहीं. लेकिन एक एक साल से जो लोग राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं कलेक्टर के पास घूम रहे आ रहे लेकिन राशन कार्ड नहीं आ रहे बिकॉज ऊपर से ऑर्डर्स नहीं.